और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम किस रूप में सामने आया, यानी प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने जब 18 फरवरी अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, 4,68,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हमारे पास आए थे, 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने के कार्य भी किए, अनेक जो यूनिट थी उन्होंने प्रोडक्शन भी शुरू किया और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिला, नौकरियां मिली, रोजगार मिला, उसके साथ जुड़ने का एक अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। प्रदेश में एक नई स्थिति, लोगों के मन में एक विश्वास नया जुड़ा है। और क्या ये सच नहीं कि आज प्रदेश में अगर दंगा नहीं है, सुरक्षा का माहौल है, तो देश और दुनिया का हर निवेशक उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। और अभी 3 जून को मैं फिर आमंत्रित करूंगा आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव को फिर से हम ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। उनके शिलान्यास के कार्यक्रम को यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रदेश के विकास में सहभागी नहीं, क्या विपक्ष को अपने साथ मिलकर के कार्यक्रम को आगे एक साथ मिलकर के सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बनना चाहिए था।